और ये अंदर जाके ये यहाँ पे सिस्टम में ऐसे बैठ जाता है फ्रेंड्स। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एयरगन लव्स इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे ये जो सिलेंडर होता है यहाँ पे स्प्रिंग कैसी लगती है। मींस हम फिजिकली नहीं बताएंगे, लेकिन वो सिस्टम होता है उसको हम स्प्रिंग कैसे लगाना है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको वो प्रॉब्लम होता है कि भाई स्प्रिंग कैसे लगाएंगे। तो स्प्रिंग लगाने का बहुत ही सीधा सिस्टम है। आप यहाँ से आप ओपन करके आपको बिठाना कैसा है, ये है वॉशर और ये है पिस्टन। आप देख सकते हैं 35 नंबर का पिस्टन है और ये है वॉशर। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे एक नट भी आता है वॉशर के साथ, तो ये आपको इसको अंदर फिट करके इसको पूरी तरह अच्छा टाइट करना है। ये ऐसे हम टाइट करेंगे, यहाँ पे भी स्क्रू ड्राइवर लगा के आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं ये नट को, तो और भी अच्छा टाइट होगा। और वो टाइट करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एयर राइफल में, तो इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी कैसा है, ये है स्प्रिंग, आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग पिस्टन में यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा, ये अभी ये जाने के बाद फिर ये जो इसको स्प्रिंग गाइड कहते हैं, ये पीछे से ऐसे आएगा कि ये इसको सीधा रखे और ये अंदर जाके ये यहाँ पे सिस्टम में ऐसे बैठ जाता है फ्रेंड्स। और जब भी आप इसको लोड करोगे, एयर राइफल को लोड करोगे, तो ये पीछे जाएगा और ट्रिगर में लॉक होगा। तो ये है इसका सिस्टम। देखिए बहुत ही इजी होता है, लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अपनी पुरानी राइफल को आप नया कर सकते हैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करके। रेगुलरली आप अपना स्प्रिंग चेंज करें और अच्छा पावर दे। और अगर आपको ये पूरे पार्ट्स, पिस्टन, स्प्रिंग, स्प्रिंग गाइड, लेदर वॉशर, सिंथेटिक वॉशर, इसको आप यहाँ पे आप सिंथेटिक वॉशर भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंथेटिक वॉशर कहाँ होता है। ये भी सेम सिस्टम में होता आता है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए सिंथेटिक वॉशर भी सेम जगह पे लगता है, तो ये यहाँ पे देखो फ्रेंड। ये देखिए इसको भी आप यहीं पे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी मुझे इसको टाइट करना पड़ेगा स्क्रू से, तो ये यहाँ पे आप लगाइए, ये पूरा टाइट कर लीजिए ये। और इससे भी ज़्यादा पावर होता है, इससे भी पावर बढ़ता है सिंथेटिक वॉशर से। तो यही लेदर वॉशर, सिंथेटिक वॉशर सभी मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो आप अपनी, अगर अपने पास पुराना एयर राइफल है तो उसके लिए आप ये चीज़ मंगाइए, अपना स्प्रिंग चेंज कीजिए और अपना पुराना एयर राइफल को नया बनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोई भी चीज़ चाहिए इसमें से कोई भी, अगर आपको स्प्रिंग गाइड चाहिए, अच्छे क्वालिटी के स्प्रिंग चाहिए, पिस्टन चाहिए, तो आप मुझे मेरे नंबर 9822146541 इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो और इसके ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, ये कम बजट के पी है, तो इसको कैश ऑन डिलीवरी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप ऑर्डर दे सकते हैं और आप ये आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ कुछ जगह पे ऐसे प्रॉब्लम है कि उनके पास लगाने के लिए लोग हैं लेकिन अच्छे क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे में मुझे ऐसे भी पता चला है कि लोगों को उन्होंने उनकी राइफ़ल दी है और उनका स्प्रिंग लगाया है और क्वालिटी स्प्रिंग लगा नहीं मिलने की वजह से वो जल्दी काम करना छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप ये कर सकते हैं, ये सभी चीज़ मेरे पास से मंगा के उनको सिर्फ यही बोलना है कि आप ये लगा कर दो और अपना एयर राइफ़ल अच्छे क्वालिटी के, ओरिजिनल क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स आप मंगाइए और अपनी एयर राइफ़ल को अच्छे स्प्रिंग्स लगा के, अच्छे स्पेयर पार्ट्स लगा के पावरफुल बनाइए। फ्रेंड्स, किसी को भी इस एयर राइफ़ल के स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एयरगन लवर्स इंडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।